बिहार की होली कभी लालू यादव को लेकर मशहूर मानी जाती थी और बिहार की होली को लोग दूर दूर से मीडिया कवर करती थी, लोग काफ़ी दूर दूर से भाग लेने के लिए आते थे। एक बार फिर लालू तो इस अंदाज में होली मनाते नजर नहीं आए, लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग ही अंदाज में होली मनाते नजर आए हैं और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज प्रताप होली के रंगों में डूबे नजर आए हैं। और हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, जाहिर सी बात है लालू यादव की होली का हर किसी को इंतजार रहता था, मीडिया भी बढ़ चढ़कर कवर किया करती थी, काफी दूर दराज से उनके समर्थक आते थे। एक बार वही अंदाज, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ही सही, तेज प्रताप उस अंदाज में होली मनाते नजर आए हैं, क्या कुछ खास दिखा, क्या कुछ वहां खास रहा? बिल्कुल, देखिए उदय, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और लगातार मीडिया में सुर्खियों में वो रहते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटी के कारण, और आज जिस तरीके से होली का जो शुभ अवसर था और तेज प्रताप यादव को लेकर ये भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का छवि जो है तेज प्रताप यादव में है, और वही छवि आज उनके आवास पर दिखा। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से मशहूर थे होली में, जब लालू प्रसाद यादव जब होली मनाते थे तो उनके जो सहयोगी दल के लोग भी रहते थे, उनके कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, और लालू प्रसाद यादव का होली मनाने का अलग ही तरीका रहता था और कुर्ता फाड़ होली होता था और काफ़ी लोग वहाँ पर जाते थे, पत्रकार लोग भी लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाते थे। लेकिन अब लालू प्रसाद चूँकि काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, ऐसे में आज उनके पूरा परिवार कल दिल्ली चले गए थे केवल तेज प्रताप यादव को छोड़कर, तो आज होली के अवसर पर जितने भी पत्रकार थे वो आज तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे थे, और तेज प्रताप यादव ने सभी को इनवाइट भी किया था कि होली आज मनाया जाएगा, सभी पत्रकार वहां पे आएंगे, और हम भी खुद वहां गए थे और सुबह से सारी खबरें वहां से हम लगातार साझा कर रहे थे बाइस्कोप पर। और तेज प्रताप का ये अंदाज कहीं ना कहीं लाल तेज प्रताप ये चाहते हैं कि जो छवि उनके पिता में होली में के दिन दिखता था, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी जो लालू प्रसाद यादव करते थे अपने नेताओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, बिल्कुल हूबहू तेज प्रताप यादव वैसे ही जो है आज उन्होंने अपने आवास पर किया, और लगभग जो लगा कि लालू प्रसाद यादव का वो पुराना अंदाज तेज प्रताप यादव में समा गया है, और तेज प्रताप यादव खूब होली के लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके आवास पर जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने पिचकारी से रंग भी पराया, तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बात भी किया और सबको बधाई दिया, और तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जो भी हमसे सीनियर है, यानी नीतीश कुमार के नाम को लेकर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन है, उनको हम यहीं से प्रणाम करते हैं, और राजनीति में जितने भी बड़े सीनियर लीडर हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और होली का दिन है इसलिए ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि हम आज नहीं बोलेंगे, और पूरा अलग ही अंदाज में दिखे, खुद पूरा आवास पर घूम रहे थे, उनके साथ उनके समर्थक घूम रहे थे, कभी पिचकारी से रंग कभी को परा रहे थे, कभी गुलाल लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उदय आज तेज प्रताप यादव का एक अनोखा अंदाज जो है दिखा है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि लालू यादव की वो होली नहीं दिखी लेकिन तेज प्रताप का एक अलग अंदाज देखने को मिला है और काफ़ी संख्या में लोग भी वहाँ उमड़े हैं। अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरसे बाद तेज प्रताप यादव ने एक बिहार की जो अलग तरह की होली होती है उस होली के दर्शन कराए हैं लोगों को और खूब जमकर होली खेलते हुए नज़र आए हैं, और हम भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि रंग गुलाल अबीर खेलते नज़र आए, मीडिया वालों के साथ भी होली खेलते नजर आए, और जो भी उन्हें आसपास मिला उन सभी को होली के रंगों में सराबोर कर दिया।